अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको नई नई रेसिपी सिखाते रहें इसी तरह। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो परी आसिफ की बहुत ही ज़बरदस्त फरमाइश पर हम बनाने जा रहे हैं आज मार्बल केक। मार्बल केक बनाने के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, आइए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 अंडे, साथ में चाहिए होगा 100 ग्राम ग्रैनुलेटेड शुगर। अगर आपको 100 ग्राम में अंदाज़ा नहीं हो रहा या आपके पास मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप इस तरह के जो घर में डिनर टेबल स्पून होते हैं या आप 8 टेबल स्पून लेवल ले लीजिएगा, या आप मेजरिंग कप से 1 कप ले सकते हैं, ये सब घर में होता है ये मेजरिंग कप, या आप अगर मेजरिंग स्केल है तो 100 ग्राम लें। साथ में आपने लेना है 100 ग्राम मक्खन। मक्खन आपने 100 ग्राम, 200 ग्राम की एक बार आती है और उसमें आपने उस बार को हाफ ले लेना है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया तो आप ये अनसॉल्टेड बटर 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। साथ में आपको चाहिए होगा यहाँ 1 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 कप आप ये वाला ले सकते हैं, या आप इस वाले स्पून से 8 टेबल स्पून, या मेजरिंग स्पून भी आते हैं आप उससे भी 8 टेबल स्पून थोड़ा सा हीप ले सकते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम चीनी लिया, ठीक है। साथ में आपने लेना है वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। मिल्क चाहिए होगा आपको 4 टेबल स्पून, ये वाले मैंने लिक्विड मिल्क 4 टेबल स्पून की ली है। कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, यहाँ बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्यूवर्स, पैन को हमने यह ग्रीस कर दिया है और बेकिंग शुरू करने से पहले अभी जस्ट मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है। आप जैसा कि आपको पता है कि हमेशा बेकिंग जो होती है सेंटर रैक पे होती है, बिल्कुल मिडिल में रख के होती है, बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर रख के नहीं की जाती। और बेकिंग के लिए सबसे पहले नीचे वाला गैस अवन में नीचे वाला बर्नर ऑन किया जाता है। अच्छा व्यूवर्स, ये तो सारी टिप्स और टेक्निक्स हम आपको बाय द टाइम देते रहेंगे काम करते हुए। अब सबसे पहले हमने यहाँ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, इन दोनों को हमने सीव करके एक तरफ रखना है। अब हमने यहाँ बोल में ऐड करना है बटर और साथ ही में थोड़ा थोड़ा करके शुगर डालेंगे, उसको फ्लफी होने तक बीट करेंगे। फिर हम एग 1 बाय 1 डालेंगे और उसको बीट करेंगे। आइए हम बीटिंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ बीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मक्खन को थोड़ा सा बीट करेंगे, फिर शुगर डालेंगे। व्यूवर्स, मक्खन हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और एग्स वगैरह भी, तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। फ्रिज से निकला हुआ आपने यूज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हल्का सा मक्खन को बीट किया है, हम थोड़ी थोड़ी शुगर डाल के मिक्स करेंगे, उसको बीट करेंगे। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि दाना इधर उधर ना हो रहे। डाली हमने बीट किया, अब बाकी की शुगर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके बीट करेंगे ताकि फ्लफी हो जाए। व्यूवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं हमने काफ़ी बीट किया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 एग डालेंगे, उसको अच्छी तरह बीट करेंगे। हमने एक और एग इसके अंदर शामिल कर दिया है, साथ ही में हम इसमें वेनिला एसेंस भी शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह बीट करेंगे। ये मैंने 1/2 कप वेनिला एसेंस का ले लिया है व्यूवर्स। इसके अंदर मैदा बेकिंग पाउडर के साथ जो हमने छाना है वो शामिल करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ मैदा बेकिंग पाउडर के साथ इस स्ट्रेनर की मदद से यहाँ छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिक्स करेंगे।
थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। व्यूअर्स आप बीटर से भी कर सकते हैं, अगर आप बीटर से करना चाहें तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह करना है, और स्पैचुला से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। व्यूअर्स हमें बीटर से इस तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा मैदा डाला, पहले विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब हम बचा हुआ तमाम मैदा इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसको बीटर चला देंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने इसे यहाँ अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब यहाँ जो 4 टेबल स्पून मिल्क मैंने निकाल के रखा था, इसमें से मैं हाफ मिल्क इसके अंदर डालकर बीटर चलाऊंगी। मिल्क डालने से ये हमारा बैटर तैयार है। अगर आपको मार्बल केक नहीं बनाना तो आप प्लेन केक भी इस बैटर से बना सकते हैं। जस्ट इसको हमने बेकिंग पैन में अपने डाला। अगर आप कलर डालना चाहें तो लेमन कलर ऐड कर लीजिएगा और इसको डायरेक्ट भी बेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मार्बल केक बना रहे हैं तो व्यूवर्स हमें मार्बल का टेक्सचर देने के लिए इसको दो पोर्शन में, इस बैटर को दो पोर्शन में डिवाइड करना होगा। व्यूवर्स हमारा यहाँ बैटर रेडी है। अब हम इस बैटर को दो पोर्शन में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, हमने इस बैटर को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे, उसमें मैदा और मिल्क जो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ बचाया था उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स सॉरी, मैं यहाँ मैदा मेरे मुंह से निकल गया। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप ये एक बैटर लेंगे हाफ पोर्शन में और उसमें फिर आप है ना ये कोको और मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क जो 2 टेबल स्पून बचाया था आप डालें और कोको मिक्स करें। कोको डालकर इसके अंदर मिल्क ऐड करती जाऊंगी और उसको मिक्स करूंगी। 2 टेबल स्पून मिल्क है आपका, लेकिन उसको आपने 1 टी स्पून डाल के मिक्स करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स हमने यहाँ 2 टेबल स्पून मिल्क के साथ अपना ये बैटर अच्छी तरह कोको डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास दो बैटर हैं, एक हमारे पास ब्राउन बैटर है जो है कोको वाला, एक है सिर्फ फ्लावर वाला। व्यूअर्स यहाँ हम पैन लेंगे और इस तरह अपना बैटर शामिल करते जाएंगे। पहले आपने वाइट डाला, देन ब्राउन, को अच्छी तरह आपने फैलाना है। फिर आपने वाइट डाला, इसी तरह आप डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। व्यूअर्स इसी तरह हमने ब्राउन डाला, एड ब्राउन, व्यूअर्स फिर हमने वाइट डाला। इस तरह करके आपको पूरा पैन इसी बैटर से कवर कर लेना है। देन आई विल एड ब्राउन, नाउ अगेन वाइट। आप देख रहे हैं मैं ब्राउन के साथ वाइट, वाइट के साथ ब्राउन, इस तरह करके एक एक करके डालती जा रही हूँ। इस तरह करके आपको डालते जाना है सारा बैटर।
ब्राउन डालेंगे। इसके ऊपर व्हाइट, व्यूअर आप देख सकते हैं हमने व्हाइट ब्राउन इस तरह करके अपना ये बैटर तमाम सांचे में डाल लिया है। अब मैं इसको अवन में बेक करने के लिए डाल रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट के लिए, 35 से 40 मिनट के लिए बेक होगा। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठंडा करके डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स यहाँ आप देख सकते हैं 25 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू भी आना शुरू हो गई है। लेकिन व्यूअर्स हमारा केक अभी हल्का सा कच्चा है सेंटर से और साइडों से होना शुरू हो गया है। व्यूअर्स अभी इसको 8 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो आप इसे देख लीजिएगा अपने ओवन की केमिस्ट्री के हिसाब से ही आपका ओवन कितना हीटअप होता है, कितनी देर लगती है, लेकिन मैक्सिमम ये 35 मिनट लेगा। व्यूअर्स मैं इसे बंद करके 10 मिनट के लिए और रखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा केक 35 मिनट हो चुकी है और केक भी ज़बरदस्त बेक हो चुका है। यहाँ आप इसका कलर देख सकते हैं। व्यूअर्स केक में आप कोई स्क्वायर या टूथपिक डाल के देखें, आपकी नाइफ क्लीन आई है, इट्स मीन्स आपका केक रेडी हो चुका है। देखें केक बनने की एक ये भी पहचान होती है कि जब केक बेक हो जाता है तो वॉल्स जो साइड्स होती हैं वो खुद ही लूज हो जाती हैं। व्यूअर्स अब हम इस केक को ठंडा करके 20 मिनट 15 से 20 मिनट ठंडा करके उसको निकाल लेंगे और उसके बाद कट करके आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स यहाँ आप देख सकते हैं हमारा केक यहाँ ठंडा हो गया है और हमने इसे यहाँ कट भी करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, कितना इसका स्पंजी लुक आया है और कितना सॉफ्ट है। आप ज़रा ये देखिएगा व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स काइंडली आप इसकी रेसिपीज जो भी आपने अभी तक देखी हैं हमारे फूड बेक चैनल की आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आई होप व्यूअर्स आज की भी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फरी आसिफ आपके लिए हमने, आपके स्टार पर हमने ये रेसिपी बनाई है, काइंडली आप इसे देखिएगा गौर से और इसे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स अब हम इजाज़त चाहते हैं अगली रेसिपी तक के लिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।